कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बाहर से ढोल और ढप की आवाज़ें आना शुरू हो गई है, मतलब होली आ गई है। हाँ जी, होली आ गई है और आज से मैंने तैयारियाँ शुरू कर दी है। आज से मेरे घर में बनने वाले हैं पकवान, और क्या क्या बनाऊँगी सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज से लेकर होली तक जो भी बनेगा सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर होगा। आज काफ़ी कुछ बनाने वाली हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं रसोई में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती आप लोगों का भी और मेरा भी, क्योंकि फटाफट बना लेते हैं। बहुत कुछ बनाने वाली हूँ तो टाइम भी काफ़ी लगने वाला है। खैर, मैंने जो है लंच बनाकर छोड़ दिया। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन 1 बज रहे हैं और मैंने लंच बना के रख दिया ताकि बीच में कुछ भी डिस्टर्बेंस ना हो, आराम से जो है जो काम मैं शुरू कर रही हूँ वह ख़त्म कर सकूं। इस वजह से मैंने लंच आज जल्दी बना दिया और अभी ब्लॉग शुरू कर रही हूं। ठीक है, ब्लॉग तो क्या है, आज तो रेसिपी शेयर करने वाली हूं सब कुछ जो भी बनाऊंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मैं जो भी बनाती हूं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं, और उसके बाद आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो और वो मुझे पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों ने जो है तैयारियाँ शुरू कर दी क्या होली के लिए, और आप लोग क्या क्या बनाने वाले हो वो भी मुझे ज़रूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल की कचौड़ी, और कचौड़ी के साथ इमली की चटनी भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इमली भिगो दे रही हूँ ताकि जब और सारी तैयारी करूँगी तब तक इमली अच्छे से भीग जाएगी। और फिर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मठरी के लिए आटा, और मैं आटे की मठरी बना रही हूँ, मैदे की नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है मैदे की बनेगी फिर मैदा सही नहीं रहता है, ठीक नहीं रहता, तो इस वजह से मैं मठरी जो है आटे की बना रही हूँ, आटे की भी टेस्टी बन जाती है। और आटा ले लिया है, आटे में मैंने नमक, अजवाइन और खूब सारा मोइन डाल दिया, क्योंकि मठरी अच्छी बनाने का एक ही फंडा है, मोइन अच्छा सा डालो तो मठरी बिल्कुल खस्ता और कुरकुरी बनेगी। वैसे मठरी की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपने पहले एक व्लॉग में, तो आज मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, शॉर्ट में बता रही हूँ कि क्या क्या बना रही हूँ। ठीक है, डिटेल में कचौरी बताऊँगी आप लोगों को, क्योंकि कचौरी मैंने पहले कभी भी शेयर नहीं की है। और इधर मैं शक्करपारे का भी आटा लगा रही हूँ, शक्करपारे बोल दो, पेठा बोल दो, तो इसके लिए पेठे जो है मैदे के ही बना रही हूँ, क्योंकि ये मैदे से ही अच्छे बनते हैं, आटे से अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैदा ले लिया है और इसमें खूब सारा मैंने घी का मोयन दिया है। ठीक है, लाइट जा रही है आज तो बार बार। मेरे किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके घर इन्वर्टर में, एक इन्वर्टर है जी, पर इन्वर्टर से और एक दो मतलब हर रूम में एक एक लाइट ही जलती है, किचन में भी सिर्फ एक ही लाइट जलेगी और उससे इतनी रोशनी नहीं आती और सब कुछ अच्छे से आपको दिखाई नहीं देगा, वीडियो अच्छा नहीं बनेगा। बाकी इन्वर्टर है हमारे घर, ऐसा कोई कुछ बात नहीं है। खैर, मैंने मठरी का आटा लगा दिया है और शक्करपारे का आटा लगा दिया है, और अब मैं कचौरी का आटा लगा रही हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं शक्करपारे, मठरी और दाल की, मूंग दाल की कचौरी। ठीक है, ये तीन चीज़ें आज मैं बनाने वाली हूँ। नमकीन से शुरुआत की है, मीठे से नहीं की है, क्योंकि मीठा मेरे घर में इतना कोई चाव से खाते नहीं है। तो बनाऊँगी, एक दो चीज़ें बनाऊँगी पर वो होली के पास में बनाऊँगी। ठीक है, तो अभी हम कचौरी का आटा लगा लेते हैं। कचौरी का आटा लगाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा, थोड़ी सी हाथों से क्रश करके मैंने अजवाइन डाल दी है, आधा चम्मच इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, और मोयन मैं दे रही हूँ इस पर घी का, कचौरी में भी घी का ही मोयन डालना है, इससे कचौरी बहुत अच्छी खस्ता कचौरी बनेगी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। और जो बेकिंग पाउडर डाला है उससे कचौरी हमारी फूलेगी, जैसे हलवाई बनाते ना फूली फूली मूँग दाल वाली कचौरी, वैसी बनेगी बिल्कुल से। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और आटा लगा लेना है, बहुत ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाना है, जैसा नॉर्मल रोटियों का आटा लगाते ना वैसा ही आटा लगाकर तैयार कर लेना है। कल स्टॉल लग जाएगी दीपक वाले के आगे। किस चीज की? रंगों की, पिचकारियों की। पापा जी, देखो मैं पहले बता रही हूँ। हाँ, बताते हो। कल शाम को अच्छा। देखो पिचकारी दिलाने ले जाने और गुलाल दिलाने ले जाने, हर्बल गुलाल लाएंगे इस बार। और वो तो दूसरों के लगाएंगे, तेरे से दूसरा दूसरे केमिकल का ही लगाएंगे, फिर फायदा क्या हुआ हर्बल गुलाल का? हर्बल गुलाल कौन सी आती है? हर्बल हर्बल, उससे स्किन खराब नहीं होती। और पिचकारी लानी है और क्या लाना है? मम्मा इस बार दो दो पिचकारियां लाएंगे। आज के जमाने में आज बनेंगे कचौरी, पेठा और वो भी बनाना जो आपने पिछली बार दिवाली पे बनाए थे।
खाएगी क्या? हाँ। नहीं खाएगी तो मैं कानों को बांध दूंगी, खा लूंगी, पेट के बांध के पेट के लटका ऐसे एक माला के ऐसे। ठीक है। और मम्मा सब लोग पे है ना मालाएं पहनते हैं एकदम टॉपी की। अच्छा कौन पहनता है? मैंने देखा था वीडियोस में सब पहन के रखते हैं। अच्छा तो मेरे को भी वैसी माला चाहिए। तेरे पापा बना के दे बेटा, मेरे को तो आती नहीं। देख मैं तो खाली पकवान बना सकती हूँ, बाकी सब चीजें पापा बनाएंगे। आटा तीनों तरह का मैंने लगा के छोड़ दिया है, शक्करपारे का, मठरी का और कचौरी के लिए। और अब एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं कचौरी के लिए। तो यहाँ पे मैंने साबुत धनिया लिया है करीबन 10 चम्मच, और 3-4 मैंने साबुत लाल मिर्च ली है, करीबन 20 काली मिर्च है, और 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें जीरा। और इसको बिल्कुल दरदरा पीस लेना है मिक्सी में, बिल्कुल बारीक नहीं करना, दरदरा पीसना है, ध्यान रखना। और ये मूंग दाल मैंने सुबह में भिगो के रख दी थी, 1 घंटे में भीग जाती है वैसे तो, 1 घंटे पहले भिगो के छोड़ दो। और अब इसको हम इसको भी दरदरा पीस लेंगे मिक्सर में। और जो मसाला मैंने बताया ना, वही सीक्रेट है बिल्कुल हलवाई वाली मूंग दाल कचौरी बनाने का, मतलब उस मसाले के बिना जो कचौरी अच्छी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले जो मसाला हमने बनाया था, तैयार किया था धनिया और लाल मिर्च का, तो उस मसाले को खूब सारा तेल लेना है, थोड़ा सा तेल अच्छा ही लेना है, मतलब खूब सारा क्या, थोड़ा सा अच्छा तेल लेना है। और उसमें और ये मसाला जो है अच्छे से भून लेना है, धनिया वाला मसाला, ठीक है, करीबन 2 या 3 मिनट के लिए। और उसके बाद उसमें डाल देना है करीबन 10-15 चम्मच बेसन, आधी कटोरी, छोटी वाली जो कटोरी है वो आधी कटोरी मैंने बेसन डाला है। बेसन से क्या होगा, ये मसाला अच्छे से बाइंड हो जाएगा जब हम इनको कचौरियों में भरेंगे। और उसके बाद जो मूंग दाल हमने दरदरी पीसी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद सारे मसाले ऐड कर देंगे, बेसिक मसाले, धनिया, लाल मिर्च और नमक, ये सारी चीज़ें। और अब इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा तेल, और इसमें पानी नहीं जाएगा मसाले में बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि ये जो कचौरियाँ बनने वाली है ये ख़राब नहीं होंगी करीबन 10 दिन तक। और तो इसमें हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, जो भी सिकाई होगी वो तेल में ही होगी। अगर आपको तेल थोड़ा सा और कम लगे तो गर्म करके इसमें तेल थोड़ा सा और डाल देना, पर इसको सेकना तेल में ही है। और करीबन 10-15 मिनट तक इसको अच्छे से बिल्कुल हल्की आँच पर जो है आपको सेकते जाना है। और फिर लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे हम कसूरी मेथी, गर्म मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, तो जो भी मसाले होते हैं वो सारे ऐड कर देंगे और मसाला हमारा बढ़िया सा बनके तैयार हो जाएगा। और जब मैं बना रही थी ना तभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इस मसाले की, तो मसाला मैंने रख दिया है। और जब ठंडा हो जाएगा तब हम उसमें उसको कचौरियों में भर देंगे। तब तक मैं कर लेती हूँ पेठा बनाने की तैयारी। मैंने तेल चढ़ा दिया है तो सबसे पहले पेठे बना लेते हैं। तो पेठे बनाने के लिए बस कुछ नहीं करना होता, पेठे बनाना बड़ा सिंपल होता है, जिसको आप लोग शायद शक्कर पारे बोलते होंगे मीठे वाले, हमारे यहाँ पे पेठे बोलते हैं। तो बस इनको मैंने और अच्छे से बेल लिया है, और अब बिल्कुल हल्की हल्की आंच पर इनको बिल्कुल पेशेंस के साथ पकाना है। देखो तेज आंच करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, पर अगर तसल्ली से कुछ भी बनाएंगे तो बड़ा टेस्टी बनती है वो चीज़ें। तो यहाँ पे पेठे को मैंने बिल्कुल हल्की आँच पर, और ज़्यादा नहीं थे, 2 बारी में जो है बन गए थे, इतना ही मैंने आटा लगाया था। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही बना रही हूँ। तो बस 1 बारी का मैंने डाल दिया है, और अभी 2 बारी का भी मैंने पेठे चढ़ा दिए उस पर। और अब हम तैयारी कर लेते हैं कचौरी बनाने की। हाँ जी, तो जो आटा हमने लगाया था वो अच्छे से सेट हो गया, करीबन 1 घंटा हो गया आटा लगाए हुए, तो ये अच्छे से सेट हो गया है। और अब हम इसके छोटे 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 नींबू की साइज़ की लोइयां बना लेंगे। इधर कचौरी का मसाला भी बिल्कुल ठंडा हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट मसाला बना है। कैसे पता चलेगा कि मसाला जब ठंडा हो जाएगा तो वो बिखरा बिखरा सा हो जाएगा, तो इससे पता चलता है कि सिकाई बहुत अच्छी हुई है मसाले की और मसाला काफ़ी अच्छा बना है। बस ये गोलियाँ जो मैं बना रही हूँ वो बाइंड इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें मोयन अच्छा सा है और बेसन डाला है ना, तो इससे ये बाइंड हो पा रहा है। तो इस तरह से गोलियां बना के रख लेंगे ताकि कचौरी फिल करने में दिक्कत ना हो, बिखरे ना मसाला इधर उधर, ठीक है। और फिर जो गोला हमने बनाया है उसको बेल लेंगे, फिर उसके अंदर ये मसाला मिक्स करेंगे, फिर हाथ से ही जो मैं तो कचौरी बना रही हूँ, अगर आप चाहो तो बेल कर भी बना सकते हो। और बीच में से देखो इस तरह से इसको जो है दबा देना है, इससे कचौरी जो है हमारी फूल जाएगी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल कचौरी बन जाएगी, फूली फूली सी। मतलब साइड में से इसको मोटा रखना है, बीच में से थोड़ा सा पतला रखना है, ठीक है। इस तरह से हाथ से बिल्कुल हथेली से दबा दबा के बनानी है। तो बस यहाँ पर बिल्कुल हल्की हल्की आँच पर हमारी कचौरियाँ भी बन रही है, और क्या बना दिया मैंने, हाँ पेठे के लिए मैंने चीनी भी चढ़ा दी है साथ साथ। तो और पेठे को डाल देंगे अब चीनी में, तो फिर
पेठे भी बन जाएंगे। सॉरी अब चढ़ा रही हूँ, बता पहले ही दिया मैंने। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदे के मैंने पेठे बनाए थे, तो उसमें चीनी लगेगी करीबन, सॉरी यार मेरे को अंदाज़ा नहीं है, ऐसे मैं नहीं बता सकती, मैं तो अंदाजे से ही बना लेती हूँ। ठीक है, तो इधर मैंने चाशनी में पेठे भी डाल दिए, तो पेठे भी तैयार हो जाएंगे। कचौरी पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिल्कुल हल्की हल्की आँच पे इनको बनाना होता है। और इधर मैंने इमली की चटनी भी चढ़ा दी है साथ साथ, और इमली की चटनी मैंने खूब सारी बनाई है, क्योंकि अब जो चीज़ें बनेगी उनमें सब में इमली की चटनी चाहिए होगी, आगे बड़े भी बनेंगे। और मैं सोच रही हूँ एक दिन आलू टिक्की भी बना दूँ, अगर गुड्डू आएगी तो मैं आलू टिक्की बनाऊँगी, तो उसमें भी इमली की चटनी चाहिए होगी। वैसे भी इमली की चटनी ख़राब नहीं होती, फ्रिज में बना के रख दो काफ़ी दिन तक चल जाती है। और इधर बुलबुल मैडम भी लग गई है मेरी हेल्प करने के लिए, मठरियाँ जो है बुलबुल ने बनवाई थी मेरे को। और यहाँ पे लग गया लड्डू गोपाल जी को भोग। हाँ जी, सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की प्लेट लग गई है, कचौरी मठरी सब कुछ बना दिया है। मठरी बन गई है और ये बन गए शक्कर पारे, और ये बन गई कचौड़ियाँ, और अब थक गई हूँ और रसोई की हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जब इस तरह का कुछ भी काम करता है तो किचन जो है पूरा फैल ही जाता है। हालांकि मैं साथ साथ में समेट रही थी, मतलब चीज़ें नहीं है, पर गेस्ट हाउस बिल्कुल गंदा हो गया। अब इसको रात को ही मैं साफ़ करूँगी, अब तो नहीं करूँगी क्योंकि अभी मुझे काम है, मुझे बनानी है अब होली का। आज गोबर से मतलब लास्ट डे है, जिस वो मैंने शुरू किया था ना बड़कुल है, उसका आज लास्ट डे है, आज के बाद नहीं बनाते हैं। और आज मतलब लास्ट होली बन जाएगी गोबर से, और फिर उसी का दहन होगा होली वाले दिन। और ये होली का जो मैं गोबर से बना रही हूँ, ये भी शुभ टाइम देखकर ही बनाई जाती है। और जैसे 7 बजे के बाद भद्रा है, तो 7 बजे से पहले पहले शुभ मुहूर्त में ही बनानी है। तो बस अब मैं आ गई हूँ नीचे और फटाफट बना दूँगी। और मैंने जब पीछे बताया था तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा था हमारे यहाँ पर तो ये नहीं बनाते हैं, ये क्या रीति रिवाज है आपके। तो जी, हमारे यहाँ के ये रीति रिवाज है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। होली का बनाइए, चार डाल बनाइए, सूरज चाँद सब बनाते हैं, और ये थोड़े से और जो है मैंने बड़कूले बना दिए हैं। ठीक है जी, और इन्हीं का दहन होगा होलिका वाले दिन। तो यही हमारे यहाँ के रीति रिवाज है जो मैं आप लोगों के साथ 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 शेयर करती रहती हूँ। और ये इधर देखिए कचौरी कितनी खस्ता बनी है, और बहुत ही टेस्टी बनी है, मैंने खा ली है। हाँ जी, मैंने खा ली है, अभी मैं आप लोगों को बस दिखा रही थी, और बढ़िया बनी है। करीबन 15-20 कचौरी बन गई, और ख़राब नहीं होगी होली तक, करीबन 10-15 दिन भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इनकी सिकाई बहुत अच्छे से हुई है। बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे ही हमने मसाला सेका था, बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे ही हमने कचौरी बनाई है। ठीक है जी, और पेठे भी बहुत अच्छे बने। इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पर एंड। और अगर वीडियो पसंद आया हो, रेसिपीज पसंद आई हो, तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चलिए जी, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।